नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ट्रांसपोर्ट की किसी नई खबर के साथ। आज हम बात करेंगे ओला कैब ड्राइवर की जो गाड़ी लूट ली गई, यानी लगातार चालकों के ऊपर जो शोषण, उनकी कैब की लूटपाट का मामला, उनकी हत्या का मामला लगातार जो सामने आता रहा है। एक बार फिर ये मामला सामने आ गया जहाँ पर ऑनलाइन गाड़ी जो बुक होती है यानी ओला, वो उस ड्राइवर से ओला कैब छीन ली गई है। खबर क्या है मैं आपको बता दें, ऑनलाइन बुकिंग के बाद ओला कंपनी की कैब लूटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चार बदमाशों ने बुकिंग के बहाने कैब बुलाई और गन पॉइंट पर वारदात को अंजाम दिया। वारदात बुधवार देर रात करीब 12 बजे हुई। शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले की शिकायत पटौदी निवासी दीपक ने की दी थी। मारुति अर्टिगा कार उसने करीब 6 महीने से ओला में लगा रखी। बुधवार को एयरपोर्ट से सवारी लेकर सेक्टर 38 गुड़गांव आया था। रात करीब 11:30 बजे ओला कंपनी की ओर से मोबाइल पर बुकिंग का एसएमएस आया। साइबर पार्क सेक्टर 39 से बुकिंग करने वाले चार युवकों को बैठाकर फरीदाबाद के लिए चल दिया। रास्ते में टॉयलेट के बहाने कार रुकवाई गई, तब मारपीट कर गन पॉइंट पर कैब की पिछली सीट पर बैठा लिया। एक्सप्रेस वे पर कापड़ीवास बॉर्डर के पास बदमाश कैब ले गए। कैब के साथ ही पीड़ित का एटीएम भी बदमाश लेकर फरार हो गए। जाते हुए एटीएम का कोड भी पूछ लिया। शिकायत पर गुरुवार को सदर थाना पुलिस ने चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह जो आरोपियों के जो हौसले बुलंद हैं, इस टारगेट बन गया है ओला या ऊबर के चालक कि इनके साथ कोई भी वारदात कर आसानी से बचा जा सकता है, क्योंकि शायद इस सेगमेंट को लेकर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इसीलिए लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें हत्या के मामले, गाड़ियों के लूटपाट के मामले, और यहाँ पर आप हौसला देख सकते हैं कि एटीएम कार्ड भी छीन लिया गया, पेन भी पूछ लिया गया, मार पिटाई भी की गई उसके साथ और गाड़ी भी छीन ली गई। तो शायद इस तबके के खिलाफ एक बड़ी रणनीति चल रही है अपराधियों की कि इनका शोषण किया जाए, क्योंकि इनके मामले में शायद पुलिस उतनी गंभीर नहीं है। तो ये थी एक बड़ी खबर। हम फिर हाजिर हूँ आपके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।